हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। शहर के एक दुकानदार पर एक युवक ने हथौड़ी से हमला कर उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। घायल के शोर मचाने पर आरोपी मौके से धमकी देकर फरार हो गया। घायल दुकानदार को इलाज के लिए PGI रोहतक में भर्ती कराया गया है, जहाँ पर पुलिस पहुंचकर घायल की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। शहर के वार्ड 7 के रहने वाले संजीत का कहना है कि उसने शहर में बैटरी की दुकान की हुई है, जहां पर वह बैठा हुआ था। शाम के समय एक युवक गोल्डी उसकी दुकान पर आया और उसके साथ झगड़ा करते हुए मारपीट शुरू कर दी। वह अपना किसी प्रकार से बचाव कर पाता, इससे पहले ही आरोपी ने दुकान पर रखी हथौड़ी उसके सिर पर वार कर दिया, जिससे वह घायल हो गया। जागृति भवन के लिए 1500 गज जमीन मिलेगी। दानी गिंदौड़ी देवी की लगेगी मूर्ति। सोनीपत में मुख्यमंत्री 2 दिन रुके। पहले दिन खरखोदा में 2 महान मूर्तियों को अनावरण किया, जो अखिल भारतीय दहिया जागृति महासभा द्वारा कराया गया। अगले दिन सोनीपत में दहिया जागृति महासभा अध्यक्ष वीर पहलवान के घर पर मुख्यमंत्री के सामने रखी गई थी मांग। खरखोदा जागृति स्थल में जागृति भवन के लिए 1500 वर्ग गज जमीन दी जाए। CM मनोहर लाल ने यह मंजूरी दे दी है, जिससे दहिया जागृति महासभा पदाधिकारियों ने धन्यवाद किया और खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि जिस महिला ने यह जमीन दान दी हुई है, उस महिला गिंदौड़ी देवी की मूर्ति स्थापना भी यहां पर की जाएगी। इस मौके पर अध्यक्ष वीर पहलवान ने कहा कि जागृति भवन में लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी, जहाँ पर 3 उच्च श्रेणी के प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी, ताकि जरूरतमंद बच्चों को यहाँ पर कोचिंग दी जा सके और समाज उत्थान में सहयोग किया जा सके। मंगलवार को मीटिंग की और मुख्यमंत्री को धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि जागृति भवन से 36 बिरादरी के लोगों को फायदा मिलेगा। इस मौके पर रामधन मलिक, बलजीत सिंह पहलवान, बलवान अतर सिंह, रमेश गोपालपुर, उमेश प्रधान नाहरा चौबीसी, बिल्लू प्रधान, दयानंद ईश्वर सिंह, करतार मास्टर उपस्थित रहे। नमस्कार जी, मैं उमेश दैया प्रधान नाहरा और प्रधान दैया चौबीसा 16 तारीख को और 17 तारीख को अपने मुख्यमंत्री CM मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के प्रोग्राम में जितने भी हमारे गणमान्य व्यक्ति आए, उन सबका मैं हाथ जोड़कर और दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। और CM साहब ने हमारी जो मांग पूरी की है, जो महासभा को जमीन अलॉट करने के लिए बात कही है, उसके लिए हम CM साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं दया जागृति का प्रधान वीर पहलवान मीटिंग में मुख्यमंत्री जी से निवेदन करी थी, आके हमारी मूर्तियों का अनावरण करें और हमारे यहाँ कुछ जागृति स्थल के लिए जगह दें, तो उनने ये बात स्वीकार कर ली, आके ये कर दिया। मुख्यमंत्री साहब का और अपने भाइयों का अक्षर त्रिवासी सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। अखिल भारतीय दहिया जागृति महासभा के प्रधान वीर पहलवान ने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया। इनके आग्रह पे उन्होंने यहाँ आके दादा कुशाल सिंह और कर्नल उपसार सिंह की प्रतिमाओं का अनावरण किया और अन्य महान विभूतियों पर भी माल्यार्पण किया। इसके लिए वीर पहलवान जी के घर पे जो चाय पाने का प्रोग्राम था, मुख्यमंत्री जी ने उनसे आग्रह किया कि आप अपनी कोई मांग तो रखो। उन्होंने ये जागृति सफल के बैक पीछे एक जागृति भवन बनाने के लिए 1500 गज की जो मांग की और मुख्यमंत्री जी ने सहर्ष वो स्वीकार कर लिया। ये जो भवन बनेगा, इसको हमारी 36 बरादरी यूज करेंगी। गरीबों के बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए कोचिंग वगैरह दी जाएंगी, लाइब्रेरी होगी और जो भी सरकार हमारे को ऐड करेगी, हम और ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएँ बच्चों के लिए अवेलेबल कराएंगे। छोटे से प्रधान के अखिल भारतीय दहिया जागृति महासभा के छोटे से आग्रह पर, इतनी भीड़ आने पर प्रधान जी की तरफ से और कमेटी की तरफ से हम उनका धन्यवाद करते हैं। रोहतक मार्ग पर गढ़ी सिसाना मोड़ के पास हुई सड़क दुर्घटना में फेरी लगाने वाले मोटरसाइकिल सवार की मौत हो गई, जबकि टक्कर मारने वाली कार में सवार लोग भी घायल हुए। मृतक भैंसवाल कला के रहने वाले सतपाल के बेटे कुलदीप की शिकायत पर पुलिस ने कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। भैंसवाल कला के रहने वाले कुलदीप का कहना है कि उसके पिता और छोटा भाई गांव-गांव जाकर फेरी लगाते हुए कपड़ा बेचने का काम करते हैं। सोमवार की सुबह वह अपने पिता के साथ गांव में कपड़ा बेचने को फेरी लगाने के लिए निकले थे। इसी बीच जब वह रोहतक मार्ग पर गढ़ी सिसाना मोड़ के पास पहुंचे, तो उसके पिता उसकी मोटरसाइकिल से कुछ आगे ही चल रहे थे। इसी बीच पीछे से एक वैगनार कार चालक अपनी कार को तेज रफ्तार में चलाता हुआ आया और उसके पिता की मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा का चयन करें, ताकि आपके बच्चे संस्कार,
शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर, डॉक्टर, लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सकें। डॉक्टर सेठी अमर अस्पताल, अ यूनिट ऑफ ट्यूलिप हॉस्पिटल खरखेदा में अब नेत्र रोग विशेषज्ञ उपलब्ध। डॉक्टर प्रियंका पटेल, MBBS, DNB ऑप्थल्मोलॉजी, हर मंगलवार और शनिवार सुबह 9 से 11 बजे तक उपलब्ध सुविधाएं। सफ़ेद मोतिया की सर्जरी, काले मोतिया का इलाज, पर्दे का इलाज, बच्चों की नेत्र चिकित्सा, नखुनी का इलाज। पता: रोहतक रोड, खरखुदा, सोनीपत, कन्या महाविद्यालय खरखुदा, एफिलिएटेड टू महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक, NAAC, एक्रेडिटेड ग्रेड ए इन थर्ड साइकिल, खरखुदा, डिस्ट्रिक्ट सोनीपत, हरियाणा। रेगुलर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, BA, BCom, BCA, Bachelor of Vocational Education in Catering Technology and Hotel Management, Bachelor of Vocational Education, Sports Nutrition and Physiotherapy. When parents and teachers develop a strong grace to help the child excel, it can create wonders. Birla School believes that PTM play a huge role in shaping a child's educational journey and future academic success. Birla School encourages parents to participate in school PTM actively, which helps the teacher and parents to know one another better and work for the benefit of the students. Birla School, give your child a better value. Admission open for session 23-24 for classes P-Nursery to 9 and 11. लगातार खबरों से बने रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।